of mass small m are standing at the two extremes of a railroad car of mass capital M. देखो एक railroad car है, इसके दोनों end पर दो लोग खड़े हैं, ठीक है? अब देखो इसमें क्या हो रहा है, resting, ठीक है? Smooth surface पर rest पर है, मतलब momentum क्या है? Zero. The initial momentum of the system is zero. Now the person on the left, jumps to the left with a horizontal speed u. Left side जो person है, ये क्या किया? पहले jump कर गया. कितना speed से? U speed से jump किया. ठीक है? With respect to state of car before jump, मतलब rest से jump किया. Thereafter, other person jumps to the right again with the same horizontal speed u with respect to the state of car. देखो, u से jump किया, u speed with respect to what? With respect to car, not with respect to ground. ठीक है? ये भी jump किया, u with respect to car. Thereafter, other person jumps to the right. Find the velocity of car after both the person have jumped off. दोनों jump कर गए हैं तो car का velocity क्या होगा? देखो पहला हम लोग लिखते हैं p initial, p final, एक jump के बाद p final, दो jump के बाद. दोनों मिलाकर सारा momentum जो होगा zero होना चाहिए, because initial is zero. There is no external force since it is on a smooth surface. ये zero होगा तीनों. अब देखो पहले वाले का लिखते हैं p final one. कितना होगा? M U minus sign, okay. And what is remaining now? Remaining mass. कितना होगा बताओ? कितना होगा बोलो? Remaining mass. Small m plus capital M. So small m plus capital M. And suppose the remaining का velocity है अभी v after first jump. What is V now? This is the velocity after first jump. Now, this car will move with this velocity. Now, the second person jumps. Second person ka velocity kya ho? Velocity of second person. Kya hoga batao? U speed to hai hi. लेकिन ये कार भी तो मूव कर रहा है इस वेलोसिटी से, तो नेट स्पीड उसका क्या हो जाएगा? दोनों मिलाकर होगा. इट इज जंपिंग विद रिस्पेक्ट टू कार एट स्पीड यू एंड नाउ दिस वेलोसिटी इज विद द कार इटसेल्फ. सो वी विल हैव दिस इज द स्पीड ऑफ मैन, सेकंड मैन. ठीक है? नाउ राइट द फाइनल मोमेंटम टू. क्या हो जाएगा फाइनल मोमेंटम टू? द फाइनल मोमेंटम विल बी the first iska velocity hum log v dash likhte hain, after second jump, after second jump. ठीक है? तो क्या हो जाएगा? मास कितना बचा? कैपिटल M, कैपिटल M v प्लस ये सेकेंड मैन का, कितना हो जाएगा? स्मॉल m u प्लस m u divided by m plus m. And first man is also part of the system. First man कितना से गया था? Minus m u. सब मिलाकर कितना होगा? Zero. After the second jump. हाँ m three dash. So this is the thing we have to. So v dash will be what? इसको हम लोग करते हैं solve. डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, ये हो जाएगा. ये दोनों में क्या लेंगे? एम कॉमन ले लेते हैं. ये हो गया यू प्लस एम यू बाय माइनस, यही होगा ना? पूरा का पूरा उधर साइड चला गया है. तो क्या क्या बचेगा? ये सब माइनस हो जाएगा,
पूरा पूरा उस साइड चला गया है तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये सब माइनस हो जाएगा ना, ऐसे हम लोग करते हैं ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास ठीक है। नाउ यू यू कैंसिल तो वी विल हैव माइनस एम स्क्वायर यू बाय कैपिटल एफ एम प्लस एम, ये ऊपर में इतना बचेगा ये वाला आएगा फिर नीचे का एक साथ ये होगा वेलोसिटी। तो फाइनली कार इज मूविंग इन विच डायरेक्शन, लेफ्ट वर्ड बिकॉज ऑफ माइनस साइन, कार इज फाइनली मूविंग अलोंग लेफ्ट वर्ड ठीक है माइनस साइन। ओके नाउ वी विल डू द कोलिजन प्रोसेस, कैसे होता है कोलिजन वो चीज हम स्टार्ट करते हैं। कोलिजन प्रोसेस में क्या क्या होता है, कोलिजन प्रोसेस ठीक है देखो, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कोलिजन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ टू मास एंड स्प्रिंग बिटवीन देम, टू मास स्प्रिंग सिस्टम, टू मास एंड स्प्रिंग, इससे समझने का कोशिश करें। सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट एंड एक स्प्रिंग इससे अटैच्ड है एंड वी हैव अनदर ऑब्जेक्ट, तो दिस इज एम वन दिस इज एम टू और सपोज एक स्मूथ सरफेस पर दोनों मूव कर रहे हैं ठीक है। इसको धीरे धीरे समझने का ट्राई करो और साथ साथ थोड़ा थोड़ा लिखेंगे हम लोग, ऐसे पूरा प्रोसेस लिखेंगे बहुत लंबा होगा ठीक है, थोड़ा बहुत लिखेंगे लेकिन Both are moving along this direction. Suppose this is U2 and this is U1. अब यहाँ क्या क्या है देखो लिख लो, मास से जा रहे हैं M1 M2 ठीक है, नहीं लिखोगे तो मास समझ में आएगा। U1 U2 are what? Initial speed of mass M1 and M2 respectively. Initial speed of mass M1 on M2 और initial velocity of mass M1 and M2 ठीक है। And इसमें देखो if the first object has to collide with the second one which one should be greater, U1 should be greater, only then we can have the collision process. So we will take U1 greater than U2, only then we can have the collision process. So U1 greater than U2, so mass M1 will is moving towards M2 because U1 is greater, slowly what will happen, this mass will move closer closer and finally what will happen, it will touch the mass M2 ठीक है, touch करेगा ठीक है, जैसे टच किया क्या हुआ collision process starts, यही moment है जहां collision process start collision starts ठीक है and still we are having U1 greater than U2. Next अब क्या होगा, since U1 is greater, it will move closer, closer move करेगा, तो क्या होगा? Spring थोड़ा सा compress होने लगेगा, ठीक है? So since it is moving with higher velocity, you will get spring compressed. जैसे collision start हुआ, spring का compression start हो जाएगा, spring compressed. And the compression will keep on increasing. As this is moving closer, the compression will keep on increasing. और क्या क्या होगा देखिए, because of compression, this force, there will be a force developed between these two objects because of spring. और ये force क्या करेगा बताओ? Force होगा क्या करेगा? इधर लगेगा इस object पर, and इस पर इधर लगेगा, kx होता जो भी value इसका. The force kx will act along rightward on the second object and leftward on the first object. So, iska impact kya hoga? That U2 will start increasing because force is acting in that direction and U1 will start decreasing. So,
u2 will start increasing and u1 will start decreasing. And this process will keep on happening. After some time, when these two will become equal, मान लो ये इक्वल हो गया, स्प्रिंग एकदम कंप्रेस्ड हो गया. सपोज दिस u1 इक्वल टू u2, क्योंकि ये घट रहा है ये बढ़ रहा है, दोनों में ये वाला बड़ा है, बड़ा वाला क्वांटिटी घट रहा है, छोटा वाला बढ़ रहा है, तो एक जगह आकर मैच होगा ना दोनों का वैल्यू. दिस इज लार्जर एंड डिक्रीजिंग, दिस इज स्मॉलर एंड इंक्रीजिंग. सो आफ्टर सम टाइम दे विल बी हैविंग इक्वल वैल्यू. ठीक है, जैसे इक्वल होगा क्या होगा, दोनों का स्पीड कॉमन हो गया, कॉमन स्पीड. ठीक है, विल देयर बी एनी फर्दर कंप्रेशन, आयुष फर्दर कंप्रेशन होगा? ये तो कंप्रेस हो गया, कॉमन स्पीड हो गया, अब तो स्पीड दोनों का बराबर होगा, दोनों साथ साथ चल रहा है, तो कंप्रेशन अब नहीं होगा. ठीक है, नो फर्दर कंप्रेशन. ठीक है, बट द फोर्स kx इज स्टिल एक्टिव, स्प्रिंग फोर्स इज स्टिल एक्टिव बिकॉज स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड. अब क्या होगा, दिस वेलोसिटी विल स्टार्ट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, सॉरी u2 will keep on increasing and u1 will keep on decreasing. अभी भी कर रहा है, लेकिन अब u2 बड़ा हो गया, u2 is now greater, u1 is now less. तो क्या होगा, सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, द ऑब्जेक्ट्स विल स्टार्ट सेपरेटिंग. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स start separating. Okay, and now you have u1 greater than u1 less than. ठीक है, separation start हो गया, कुछ देर के बाद क्या होगा, पूरा separate हो जाएगा. ठीक है, and पूरा separate हो जाने के बाद क्या होगा, अलग हो गया, अब कोई प्रोसेस, अब कोई फोर्स नहीं लगेगा. बट व्हाट हैज हैपेंड बिफोर दिस सेपरेशन, दिस ऑब्जेक्ट हैज एक्वायर्ड सम अदर वेलोसिटी v1 एंड दिस हैज एक्वायर्ड सम वेलोसिटी v2 एंड v2 इज नाउ ग्रेटर देन v1 एंड कोलिजन प्रोसेस स्टॉप्स. कोलिजन प्रोसेस स्टॉप्स, कोलिजन प्रोसेस जो है वो स्टॉप कर गया यहां तक पहुंचने पर. ठीक है, और क्या हुआ रिजल्ट, पहले वाले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ज्यादा था, दूसरे का कम. अब क्या हो गया, दूसरे का ज्यादा हो गया, पहले वाले का कम हो गया. ठीक है, दीज आर फाइनल वेलोसिटीज. ठीक है, तो लिख लो v1 एंड v2 आर फाइनल वेलोसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट. और क्या क्या चीज होगा, नाउ वी विल कंसीडर द सेम थिंग इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी के टर्म्स में सेम चीज को डिस्कस करते हैं. इनिशियली दिस इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी, दिस इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी, नो पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं इनिशियली जो है एनर्जी का अलग से एनर्जी का. इनिशियली क्या था, इनिशियली द टोटल एनर्जी वाज इन टर्म्स ऑफ इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, लिख लो, इनिशियली एनर्जी वाज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स. कितना होगा इसका वैल्यू, हाफ एम यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू स्क्वायर, द काइनेटिक एनर्जी. Initially the total energy was in the form of kinetic energy. Now when the collision process starts, the spring starts compressing,
So what is happening? Some of the energy is going to the spring potential energy. Some of the energy is going to the spring potential energy. So kinetic energy will decrease and potential energy will increase. And during the maximum compression, you will have maximum energy stored in the spring. Therefore, minimum kinetic energy of the objects. During maximum compression, you will have maximum potential energy stored in the spring. And therefore, minimum kinetic energy of the object. As collision process starts, spring gets compressed. Spring gets compressed at maximum compression. At maximum compression, potential energy of a spring becomes maximum. Potential energy of a spring becomes maximum and kinetic energy of objects becomes minimum. After this, what will happen? Again, spring starts relaxing. ठीक है, फिर से वो relax हो जाता है. लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, मैं पहले बता दे रहा हूँ उसका आगे बढ़ने से पहले कि at maximum compression, both the objects are having common velocity. So if you are asked to find the maximum compression in the spring, you have to consider the criteria for common velocity. वो साथ साथ चलेगा. तो कॉमन वेलोसिटी के टाइम में, जहां कॉमन वेलोसिटी है, यहां पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा स्प्रिंग का एंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगा. ठीक है, एट दिस पॉइंट. ठीक है, इसी को ध्यान में रखना है. एंड ये वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी होगा कितना, दैट आल्सो यू कैन फाइंड. कैसे निकाल सकते हो, हाउ मच विल बी द कॉमन वेलोसिटी. कॉमन वेलोसिटी कितना होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करो, m1 u1 plus m2 u2. ठीक है, कॉमन वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिख लो, m1 u1 plus m2 u2. देखो, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड. m1 suppose common velocity is v, m2 v, so what will be the common velocity, m1 u1 plus m2 u2 divided by m1 plus m2. This is the common velocity, and this velocity will be when there is maximum compression, and this velocity corresponds to the minimum kinetic energy. ठीक है, ये सब सब एक साथ है सारा चीज, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रहेगा कि मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग में कितना होगा, वो कैसे निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस निकाल दोगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल एंड काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम कंप्रेशन. ठीक है, मिनिमम कितना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मिनिमम, कंप्रेशन मैक्सिमम है, एंड दिस काइनेटिक एनर्जी डिफरेंस विल गेट स्टोर्ड वेयर, इन द स्प्रिंग. So this we can equate as half kx square. इस तरह से होता है, यहाँ भी लिख सकते हो, साथ में लिखो. The change of kinetic energy, the kinetic energy initial minus kinetic energy, actually negative of kinetic energy, घट रहा है, minus. The minimum or the common velocity वाला जो point है, that should be equal to change of potential energy. ठीक है? And which is same as half kx square. So you can be asked to find the maximum compression during maximum compression. So maximum compression के लिए क्या करोगे? Kinetic energy minimum होगा तभी होगा. So this criteria you have to use. ठीक है? Okay. ये हो गया. अब क्या होगा? After this,
after this maximum position, what will happen? The springs will start relaxing, and once the spring starts relaxing, the potential energy will decrease and kinetic energy will increase. ठीक है, तो लिख लो. After this, लिखो. After this, spring starts relaxing. Spring potential energy decreases and kinetic energy increases. और फाइनली क्या होगा? फाइनली देखो, फाइनली वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट वी टू becomes greater than velocity of first object v1. Finally, velocity of second object v2 becomes greater than velocity of first object v1. And spring potential energy is converted back काइनेटिक एनर्जी, मतलब पूरी तरीके से वो खत्म हो गया स्प्रिंग पोटेंशियल, कन्वर्टेड बैक टू काइनेटिक एनर्जी. अब देखो इस केस में हम लोग क्या किए हैं कि एनर्जी का लॉस नहीं लिए थे, ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक. तो क्या लिखेंगे? एंड spring is completely relaxed, so total energy stored in the spring is again in the form of kinetic energy. So what we can write? We can write the kinetic energy initial equal to kinetic energy final. Kya hoga? We can write half m1 u1 square plus half m2 u2 square equal to half m1 v1 square plus half m2 v2. ठीक है, kinetic energy initial equal to kinetic energy final. ये इस particular case के लिए था. अब देखो हम लोग जो अभी study किए, this was for spring and two mass system, but if you consider any actual collision, what things you can have in any actual collision? Suppose two balls are colliding. We do not have spring there, but if you consider the surface of ball while collision, the surface gets compressed or deformed, and that behaves like a spring. तो इसी तरह का process वहाँ भी हो जाता है. Although that force kx, maybe that F equal to kx is not applicable. F equal to कुछ और force है. Yes, proportional नहीं होगा. इसका जरूरत भी नहीं है. Final initial क्या बराबर है? बीच में क्या हुआ? वो स्प्रिंग के लिए है, बट अदर ऑब्जेक्ट्स के लिए वो बीच वाला चीज सिमिलर नहीं हो सकता है, अलग टाइप का हो सकता है. बट द होल प्रोसेस ऑफ में क्या होगा? इफ यू कंसीडर टू बॉल्स, द बॉल्स विल गेट डिफॉर्म्ड एंड दे विल स्टार्ट एक्सर्टिंग द रिस्टोरिंग फोर्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट रिस्टोरिंग फोर्स दे विल अगेन गो बैक. ठीक है, इसमें हम लोग दो तरह का कोलिजन यहीं से डिवाइड करते हैं. इलास्टिक एंड इन इलास्टिक. ठीक है, देखो ऑन व्हाट बेसिस दिस इज कैटेगराइज्ड इन टू पार्ट्स, टू डिफरेंट कैटेगरीज. As we saw in case of spring, the whole energy is converted back into kinetic energy. Means energy loss is zero. There is no energy loss. Energy is conserved. This kind of collision is called elastic collision. ठीक है? And दूसरे category में क्या आता है? अगर spring compressed हुआ था, मान लो, जब वो release होने लगा, तो spring जो है पूरा release नहीं हुआ, वो थोड़ा सा compressed ही रह गया. तो क्या हुआ उसका result क्या होगा?
will they, those objects be able to gain their initial velocity? No. The spring compressed and remained little bit compressed even after separation. और अगर perfectly बात किया जाए, perfectly inelastic, तो क्या होगा? They remained compressed completely. मतलब वो compress ही रहा. Compress हुआ? जब दोनों का velocity common हो जाता है, तो क्या होता है? क्या रहा तुम लोगों का वहाँ पर? सामने ध्यान दो. Two objects when they are completely compressed at maximum compression. Suppose the spring is not exerting any restoring force. Then what will happen? It will remain compressed and the objects will keep on moving together. Dono ka common ho gaya tha na velocity. The velocity had become common. So the objects will move with the common velocity. So ye dono extreme example hai, but actual collisions are somewhere between. To aap likhenge elastic ka baar ek ke bare mein likhenge, theek hai? Likho. Collisions can be categorized into two types, elastic and inelastic. Perfectly elastic collision, perfectly elastic collision means energy is completely conserved. Energy is completely conserved during the process of collision. Energy is completely conserved during the process of collision. ठीक है? Collision के time में energy पूरी तरह से conserved होगा. Initial kinetic energy will be equal to final kinetic energy. Inelastic में perfectly collision. ठीक है? Actual जो होता है वो बीच में कहीं होता है. ठीक है? ठीक है? For perfectly inelastic collision. Loss of energy is maximum ध्यान रखोगे इसमें एक बात एनर्जी पूरी तरह से जीरो नहीं होता जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता लेकिन वो कोई जरूरी नहीं कि इनइलास्टिक वो जीरो हो जाए इलास्टिक में क्या हुआ चेंज ही नहीं हुआ एनर्जी का बट इन केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन एनर्जी may not be completely zero. Zero पूरा तरीके से होगा इसको कोई guarantee नहीं. Zero हो भी सकता है नहीं भी सकता. But loss will be maximum. तो हम लोग कैसे इस चीज को समझेंगे कि elastic है या inelastic perfectly है? तो देखो क्या होगा. Inelastic में हम लोग देखें कि जितना compress हुआ spring, वो जरा सा भी back नहीं आया. मतलब कि compress हुआ दोनों का velocity common हो गया. So that is the indication that we have maximum energy loss. The objects will stick together. And move with common velocity. ठीक है इसको लिख लो साथ में. Objects will stick together and move with common velocity. The objects will stick together and move with common velocity. Common velocity is this is the perfectly inelastic collision. Store हुआ लेकिन spring जो है वो compress ही रहता है तो energy उसमें गया तो जरूर लेकिन वो वापस नहीं वो spring में जाके actually खत्म हो गया spring में जो molecular bond रहता है ना उसमें जाके वो loss है heat में खत्म होता है spring heated रहता है ठीक है वो वापस नहीं आया समझ में आया तो इसमें और भी चीज है इलास्टिक इनइलास्टिक कोलिजन में हम लोग इसको चूंकि बहुत सारा चीज है हम लोग नेक्स्ट क्लास को आगे करेंगे अभी तुम लोग प्रॉब्लम करोगे इतना तक पर बेस्ट जो है दो तीन प्रॉब्लम करोगे एंड आफ्टर दैट वी विल कंसीडर इन मोर डिटेल इलास्टिक इनइलास्टिक में वेलोसिटी कैसे रिलेटेड होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है ये सब कैसे कैसे टर्म्स आते हैं